एक तरफ मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग देखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले यहाँ पे। ये भी मैं हमारा पड़ोस है और चले हम ना सही, हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पास अक्ल है जो हमारे पास नहीं है। और 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया जो उनसे सदारत करने जा रहा है G20 की मीटिंग की, और जो उन्होंने अपने सिटी सेलेक्ट की हैं उनमें मेन सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहां पर वो ये मीटिंग्स करवाएं। हम ये भी जानते हैं कि G20 की मीटिंग बाली में कल ख़त्म हुई और बाली डिक्लेरेशन भी इशू हुआ वहाँ पर। उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने एक कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन। अब जब हम बात करते हैं ना इंडिया की और तालीमी पॉलिसी की, एजुकेशन की, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर तालीम जो है उसका मयार कितना आला है। ठीक है, तो इतनी हाई लेवल एजुकेशन जहाँ पर होगी तो वहाँ के नौजवान और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो IT की एजुकेशन है वो सब जानते हैं। ठीक है, उसकी स्पेशलिटी भी सबको पता है कि पूरी दुनिया में वहाँ से नौजवान जो जाते हैं और काम। भारत को G20 का अध्यक्ष बनाए जाने पर पाकिस्तान द्वारा मुबारकबाद भेजा गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस G20 में शामिल नहीं है और पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत एक नज़र पाकिस्तान की ओर कर दे तो पाकिस्तान को जो उसकी डूबती हुई आर्थिक नैया है उसका भला हो सकता है। लेकिन साथ ही भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में भी G20 की एक बैठक बुलाई जाने पर पाकिस्तान को बड़ा झटका भी लगा है, सदमा भी पहुंचा है। आगे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। कि एक तरफ मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग देखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले यहाँ थी। लेकिन मोदी साहब की अच्छी रही उनका बड़ा, और बिलखसूस एक चीज कहूंगा कि वो ऋषि सोनक साहब ने हिंदी में ट्वीट किया और उन्होंने उनके साथ ट्रेड की बातें की काफी, कल उनकी कवरेज थी UK के न्यूज़पेपर्स में भी कि ऋषि सोनक इज गोना टेक देयर रिलेशनशिप विद इंडिया ट्रेड वाइज टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये एक अच्छी बात थी रीजन के लिए। मैं तो हमेशा इस चीज को वेलकम करता हूँ। हमारा पड़ोस है और चलें, हम ना सही, हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पास अक्ल है जो हमारे पास नहीं। इस वक्त आपने दो चीजें की हैं अपने साथ, ना तो 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया है, बिल्कुल सिर्फ फाइलों में बनाया, पेपरों में बनाया है, और अभी आप इस आप अभी तक उन चीजों को समझ नहीं पाए। आप आज भी पाकिस्तान बनाने के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जो एक फाउंडेशन जिसकी बेस पे आपने टू नेशन थ्योरी ये सारा कुछ जो कुछ किया था, यू डिड नॉट जस्टिफाई, यू आर द मोस्ट करप्ट इमोरल। और आज का मैं ये कहता हूं आपने शराफत और किरदार साजी खत्म कर दी है, आपने बच्चों में भी नहीं। ना सुहेब चौधरी, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में चल रही है, और 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया जो उनसे सदारत करने जा रहा है G20 की मीटिंग की, और जो उन्होंने अपने सिटी सेलेक्ट की हैं उनमें मेन सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पर वो ये मीटिंग्स करवाएं। ये है कि 2023 में इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो हेल्ड करवाने जा रहा है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में खासतौर पे, वैसे दूसरे सिटीज़ में भी इंडिया के करवाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि 20 कंट्री वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, क्या कहते हैं कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो ठीक कर रहा है? देखें, अभी तक तो इंडिया का कोई फैसला ही नहीं हुआ, मतलब कश्मीर का बेसिकली कोई फैसला नहीं हुआ। आधा हमारे पास है, आधा उनके पास है। तो अगर देखें आप, इस तरह का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो पूरी दुनिया को ये इमेज देता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी अपनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं या वो, तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं जब वो चीज़ हमारी है। ठीक है, उन्होंने 370 हटा दिया है और इसके अलावा आर्टिकल 35 हटा दिया, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो यही शो करवा रहे हैं, या यही मतलब है कि वो उन्हीं का कश्मीर है? वो एज होल वो अपने जो है
ना अपनी जो जितनी भी मीडिया को यूज़ करके वो पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर पे हमारा कब्ज़ा हो गया, जितना हमारे पास है ये अब हमारा ही रहेगा। और ये जो समिट जिसकी आप बात करें ये करवाने का भी वहाँ पे मुझे जो लगता है कि ये मकसद यही है। उन्होंने मकसद आपको क्या लगता है उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि हम ये शो करवाना जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि कश्मीर एक पीसफुल एरिया है और इंडिया का पीसफुल एरिया है। तो ये चल रहा है इस टाइम पे इंडिया वाले जो ये 2023 की मीटिंग या ये करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंसी करने जा रही है, ठीक है या गलत है आपके ख्याल? सर मैं अब मेरे बयानात कुछ उस तरह तो नहीं हो सकते कि मैं पॉलिटिकल कोई बयान दूं, एक पब्लिक ओपिनियन मेरे नज़दीक ठीक है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो करें, पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो मत करें, सही कर रहे हैं तो अगर इंसानों की बेहतरी के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो सर इन्ना बिल मालूम इन आता फिर अमाल का दारो मदार तो नियतों पे, अगर नियत ठीक है उनकी तो फिर अल्लाह उन्हें भी खुश रखे हमें भी खुश रखे। ये लास्ट वाली बात से मैं एग्री करूंगा 100% के अगर वो वाकई इंसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हमें भी ये चीज़ सोचने की जरूरत है। हमारे पास जो कश्मीर है उसको कम अज़ कम हम डेवलप करें, किसी को दिखा सकें, बात कश्मीर के बारे में बात करने से पहले कोई अपना रोल मॉडल दिखा दें, कोई अपनी हम किए हुए काम दिखा दें कि हमने कश्मीर के लिए किया है। खाली नारों से शायद कुछ भी नहीं होगा, और होगा अगर कुछ। हम ये भी जानते हैं कि G20 की मीटिंग बाली में कल ख़त्म हुई और बाली डिक्लेरेशन भी इशू हुआ वहाँ पे, उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने एक कहा था कि ये जो ज़माना है ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत की जो भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब जब हम बात करते हैं ना इंडिया की और तालीमी पॉलिसी की, एजुकेशन की, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर तालीम जो है उसका मायार कितना आला है। ठीक है, तो इतनी हाई लेवल एजुकेशन जहाँ पर होगी तो वहाँ के नौजवान और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो IT की एजुकेशन है वो सब जानते हैं। ठीक है, उसकी स्पेशलिटी भी सबको पता है कि पूरी दुनिया में वहाँ से नौजवान जो है जाते हैं और काम करते हैं। तो ये जो है डिग्री होल्डर्स, इनको वहाँ पर मिलेंगी मुलाजमतें। अब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ठीक है कि ऋषि सोनक से पाकिस्तान का वो ताल्लुक जो है वो नहीं है, जो है जैसी टाइज उनकी इंडिया के साथ है, लेकिन तो वो यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी तालीम नहीं है कि हमारे नौजवान वहाँ पर इस तरह जाके ऐसी स्कीम से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारी IIT की एजुकेशन जैसी है, हमारी साइंस में हम जितने तरक्की याफ्ता हैं वो तो आप जानते ही हैं। फिर तो ये एक बड़ा हर्डल रहता है, तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, हम तवज्जो देनी होती तो अब तक हमारी दी जा चुकी होती। हमने अभी देखा कि दुनिया में जब सर्वे आया कि कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर मेरे ख्याल में, और बेहतर ही विल बी द गुड चॉइस फॉर आर्मी फॉर पाकिस्तान। आप आसिफ मुनीर साहब की बात कर रहे हैं? जी मैं आसिफ मुनीर साहब, लेकिन एक दुख मैं साथ अपना इजहार जरूर करूंगा, एक दुख का इजहार करूंगा। 21st सेंचुरी में जिस वक्त मैंने अर्ज किया था कि इस वक्त चाइना से आपका एप्पल की फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं, प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं, आप पिछले 6 महीने से कंट्री फ्रीज हो चुका है सिर्फ एक समरी और एक अपॉइंटमेंट की वजह से। इस पे इस चीज पे आरजू जितना एहतजाज किया जाए, जितना मलाल किया जाए, जितना दुख किया जाए कम है कि एक अपॉइंटमेंट आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कंट्री फ्रीज हो चुकी। और सर अब क्या करेंगे, इनका लॉन्ग मार्च जो है वो एक तरह से फेल हो गया है। अब इलेक्शन डेट जो है वो, ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है या नवाज शरीफ साहब बेसिकली सोच रहे हैं कि डेट दे ही दी जाए, क्योंकि इनसे भी तो गवर्नमेंट चल तो रही नहीं है। देखें इस वक्त अगर आप सारा कुछ कैलकुलेट करें आसपास से, मैंने हर ऑप्शन, पता नहीं क्यों आज तक इन 75 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं किया। कश्मीर के चलते ही पाकिस्तान की दुर्गति हो गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ा, कितने हथियार खरीदे, कितने कॉम्प्रोमाइज किए, अपना आधा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में गंवा भी दिया, लेकिन पाकिस्तान 4 युद्ध भारत से हारने के बाद भी कश्मीर का रट लगाना नहीं छोड़ता। पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर उसको मिलने वाला नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो मिलिट्री वहाँ के प्रशासक हैं, नेतागण हैं, उनको यह पता चल गया था कि भारत ने अब जम्मू कश्मीर का मामला तय कर दिया, पाकिस्तान केवल हल्ला ही कर सकता है। अब भारत का जो अगला इरादा होगा वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को लेना होगा, लेकिन
पाकिस्तान केवल अपने लोगों को दिखाने के लिए, जो पाकिस्तान के नेतागण और वहाँ के सेना के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अपनी जनता को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि भारत जब तक 5 अगस्त 2019 का कदम नहीं हटाता वे भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना चोरी छुपे पिछले दरवाजे से भारत से गुहार लगाकर सीमा पर युद्धबंदी करा लिया और अपने जनता को आज तक बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि भारत से आर्थिक कारोबार शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए भी एक प्रस्ताव पाकिस्तानी सेना द्वारा आया था, लेकिन पाकिस्तानी नेतागण केवल अपने वोट बैंक के कारण उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए। उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर नहीं मिलने वाला और पीओके और गिलगित बल्तिस्तान भी जाने वाला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए अपनी जनता के वोट के लिए वे करेंगे ही। और उन्हें पता है कि आज पाकिस्तान की जो हालत है उसे भारत ही बचा सकता है, इसलिए भारत का G20 का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुबारकबाद भेजा तो गया है, लेकिन अपनी जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि भारत एक G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में ही बुलाने वाला है, इससे भारत की उस बात की पुष्टि होगी कि चूंकि विश्व के नेता जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो भारत का दावा जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से पुष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को यह पता है, इसलिए बेवजह का कोहराम मचाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।